ये जो 75th हमारा जो अमृत महोत्सव माना जा रहा है, 75th ईयर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, और हमने जेल में भी अखबार आते थे, गुजराती भी अंग्रेजी भी, हम अखबारों को देर से सही मगर पढ़ते थे। सुबह दूरदर्शन के कम से कम हमें कुछ न कुछ खबरें मिलती थी, हालांकि खबर और बाकी चैनल्स वगैरह अवेलेबल नहीं थे जेल के अंदर। तो हमने देखा कि हमारे आज़ादी के अमृत महोत्सव सारे देश में मनाया गया और एक मुहिम भी चलाई गई सरकार की तरफ से कि हर घर तिरंगा करके होना चाहिए, मगर हमारे साबरमती महिला जेल में 15 अगस्त को कुछ नहीं मनाया गया। मतलब न न तिरंगा लहराया गया, न महिलाओं कैदियों के साथ कुछ कार्यक्रम किए गए, और इसको लेकर महिला कैदी बहुत दुखी थे। और उसके बाद 2 दिन के बाद जब हमने पढ़ा कि बिल्किस बानो के केस में 11 आरोपियों को जो लाइफ इम्प्रिजनमेंट मतलब उम्र कैद की सजा मना रहे हैं, उनको रिमिशन और मर्सी पिटिशन के तहत सरकार गुजरात सरकार ने उनको छोड़ दिया, तो मुझे खास तौर बहुत इसका इम्पैक्ट साबरमती महिला जेल में पड़ा, क्योंकि आपको पता नहीं है, और हमारी प्रिंट मीडिया है वगैरह जो काम करना चाहिए वो शायद नहीं करती, जिस तरह इंस्टीट्यूशन के अंदर नाइंसाफी जो हो रही है उसको बरकरार रह के एक नजर रखना। तो हमने देखा कि ऐसे 17 हमारे कन्विक्टेड प्रिजनर्स हैं साबरमती जेल में, जिन्होंने 14 साल से लेकर 24 साल काटे हैं, और वो इंडिविजुअल क्राइम्स में वो सजा मना रहे थे। मेरे पास उसका पूरा लिस्ट भी है। और वो महिला बहनें जो थी वो बिल्कुल दुख से रो रही थी, क्योंकि वो इंतजार में थी 15 अगस्त के कि शायद वो रिहा हो जाए, और वो रिहा नहीं होती। मगर ये जो एक तरह के राजनीतिक क्राइम में इन्वॉल्व थे एक समुदाय के खिलाफ, उनको सरकार ने छोड़ दिया। तो उसको लेकर भी महिला जेल में बहुत चर्चाएं हुई, बहुत एक अफसोस भी जताया गया, क्योंकि ये 17 हमारे कैदियों को एक अपेक्षा थी कि उनको छोड़ा जाएगा। तो बिल्किस बानो जो है, उनका जो संघर्ष जो है, वो गुजरात 2002 का संघर्ष का एक प्रतीक बन चुका था। उसने जिस तरह वो संघर्ष लड़ा, उन्होंने जिस तरह उनके पूरे परिवार और खानदान ने उनकी जो साथ देकर उन्होंने लड़ा, और उनको उनके दुख, उनके जो सलेहा, जो उनकी 3 साल की बच्ची थी जिसको मारा गया उस हादसे में सामूहिक बलात्कार के साथ करते करते, वो सब न देखते हुए आप आसानी से ये 11 लोगों को बरी कर देते हैं। मुझे लगता है एक हद का पार हो गया लोगों के लिए, लोगों को लगा कि सरकार का जो एटीट्यूड है, गुजरात सरकार का एटीट्यूड, वो आज भी वैसे ही बरकरार है 2002 को लेकर। शायद वो एक बात लोगों के दिमाग में बैठ गई। और मुझे तो लगता है कि कहीं ना कहीं, आपने कहा कि निजी तकलीफ के बारे में मैंने बात है, निजी तकलीफ तो बहुत होती है, किसको नहीं होती है। जेल में आप अंदर है, एक बैरक नंबर 6 में आप हैं, जिसमें आप 23-24 महिलाओं के साथ बालकों भी हैं, बच्चे भी हैं वहां, क्योंकि वो प्रेगनेंसी और बालक वाली बैरक थी। तो मतलब, और आपको जेल में ऐसी जगह बहुत कम मिलती है जहाँ पे आप किताब शांति से भी पढ़ सके या कुछ लिख सके। ज्यादातर आवाजें, चीखना, एक दूसरे से बहुत ऊंची आवाज में बात करना, ये सब जेल का एक जेल की जिंदगी का एक हिस्सा है, क्योंकि मुझे लगता है कि जब आप कंफाइंड स्पेसेस में रहते हैं तो एक मेंटल हेल्थ का भी एक इश्यू बन जाता है कि आप इंस्टिंक्टिवली बहुत जोर से बात करते हैं एक दूसरे के साथ, और गाली गलौज भी बहुत होती है। ये सब हम देखते हैं और महसूस भी करते हैं, अच्छा बिल्कुल लगता नहीं है, मगर बहने के साथ दोस्ती भी बनती है, एक बॉन्डिंग भी होता है उनके केस के बारे में, उनके अलग। और मैंने ये देखा, क्योंकि मैं पोस्ट कोविड पीरियड में वहां थी, कि जो लोग गुजरात साबरमती जेल में, एंड आई एम श्योर की दूसरे जेलों में भी, जो महिला जेल काट रही है विदाउट बेल, बेल ना मिलते हुए, क्योंकि हमारे देश में कम से कम 1.5 साल इंसाफ का जो एक पूरी प्रक्रिया रुक गई थी, कि जब कोविड का 2020 में मार्च से लेके जुलाई अगस्त तक, उसके बाद आपका दूसरा फेज आया जब डेल्टा का फेज हुआ, फिर तीसरा फेज आया। तो आप एनालाइज कर लीजिए, हमारे लोअर कोर्ट्स, बेल देने वाले कोर्ट बेल नहीं दे रहे थे, सुनवाई नहीं हो रही थी। जैसे आपने इसेंशियल कमोडिटी खाना पीना चालू रखा कोविड के दरमियान, उसी तरह आपको बेल कोर्ट्स को चालू रखना था, क्योंकि
क्योंकि हम देख रहे हैं कि जो बहनें 6 महीना 8 महीना 9 महीना में शायद वो भी लंबा पीरियड है निकल सकती थी, वो 2 साल 2 साल 4 साल 8 साल काट रही है वहां। इम्प्यूनिटी एक लफ्ज है, स्टेट इम्प्यूनिटी एक लफ्ज है कि जब सरकार और सरकार के अधिकारियों पॉलिटिकल फिगर्स राजनीतिक फिगर्स को ऐसा लगता है कि हम कानून से ऊपर हैं और हम कानून और संविधान को जवाब नहीं देंगे, तो मुझे लगता है एक ये जो कल्चर ऑफ इम्प्यूनिटी को हम बहुत ही करीबी से देख रहे हैं। और मुझे अभी भी याद है जब आपने बिल्किस का जिक्र किया, ये केस का जिक्र किया और 11 लोगों की रिहाई की बात की आपने 15 अगस्त को जो हुआ, और सबसे पहले ये गोधरा के एक एमएलए हरेश भट्ट जिसका नाम है, उन्होंने ये कहा था कि जो जो कैदी जिन 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 को कैद किया गया है 2002 के मामले में, वो जब भी रिहा होंगे हम उनको वेलकम करेंगे, उनको गार्लेंड करेंगे, उनका इस्तकबाल करेंगे। और ये एक बहुत ही एक बेशर्मी से एक राजनीतिक आवाज है जो एक न्याय व्यवस्था को एक आवाज दे रही है और उनको कह रही है कि हमें वो न्याय से मतलब नहीं है जो आप न्याय दे रहे हैं, हम अपना न्याय अपना तय करेंगे और हमें जो अपराध करना है हम करेंगे जिसके साथ हमको करना है। और इसीलिए मैं मुझे लगता है ये जो संदेशा है हमारे देश के लिए बिल्किस बानो के केस के में जो 11 लोग कन्विक्टेड है उसको लेकर, उसमें तो यूडी साल्वी सर ने ही जवाब दे दिया है, जज साहब ने, जिन्होंने काफी इंटरव्यूज दे के कहा है कि मुझे पूछना था आपको, एक जजमेंट है गुजरात हाई कोर्ट का जिसने कहा था कि आपको महाराष्ट्र सरकार से इसकी परमिशन लेनी चाहिए थी क्योंकि ट्रायल वहां पे ट्रांसफर हो गई थी। कितने सारे स्टेजेस को पूरा बाईपास करके ये निर्णय ले लिया गया है। अभी मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने है, आज शायद ये हफ्ते में अगले हफ्ते में आएगा, तो देखा जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट इसको कैसे देखती है। मगर मुझे लगता है कि जब आप जेल में रहते हैं, जैसे मैं रह चुकी हूँ, तो अपराध, प्रायश्चित, जेल रिफॉर्म और प्रिजनर्स राइट, ये बहुत अहम चीज हो जाती है। और मुझे लगता है हमारे समाज में ये सब चीजों के बारे में चर्चाएं होना और डिस्कशंस होना बहुत बेहद जरूरी है। एक जी रिवाज है गुजरात जेल में और बाकी जेल में भी कि हर हर सोमवार और शुक्रवार को राउंड होता है जहाँ पे कैदी लोग अपने रजूआत, अपने कंप्लेंट्स, अपने जो भी चीजें बता सकते हैं। मुझे लगता है ये प्रोसेस जो है इंडिपेंडेंट ऑफ होना चाहिए, मतलब यहाँ पे वही जेलर वही जेल अधिकारी आते हैं रजुआत सुनते हैं जो बाद में जेल चला रहे हैं, यहाँ पे वहाँ पे कोई आजाद इंडिपेंडेंट ऑटोनोमस व्यक्ति आते नहीं है जो देखते हैं कि क्या सफाई ठीक ठाक है कि नहीं, क्या वहाँ पे स्वास्थ्य ठीक ठाक है कि नहीं, क्या वहाँ पे लाइब्रेरी की फैसिलिटीज सबके लिए टाइम पे ओपन होती है कि नहीं, क्या पे किस तरह की किताबें महिलाओं के लिए वहाँ पे अवेलेबल है, क्या जेल मैनुअल, बार बार हमारे सामने जेल मैनुअल की बात जेलर जेलर रखते हैं, जब भी हम कोई भी बात उठाते हैं अधिकार की तो बोले ये हमारे जेल मैनुअल में है या नहीं है, तो वो जेल मैनुअल की कॉपी आप कैदियों को दे नहीं रहे तो वो बिल्कुल कैसा रेफरेंस करेंगी कि हमारा अधिकार है क्या और क्या नहीं है। तो आपको बस मानना पड़ेगा कि जो कहा गया वो सच है। वकील की मुलाकात हफ्ते में 1 या 2 बार हो सकती है। अगर आप आउट ऑफ स्टेट के प्रिजनर है, जैसे मैं थी महाराष्ट्र की, कोई है पंजाब का, कोई है नॉर्थ ईस्ट का, गुजरात में आप लॉज्ड हैं या महाराष्ट्र में लॉज्ड हैं, तो जेल मैनुअल ये कहता है कि सिर्फ परिवार वाले आपको मिल सकते हैं। तो ठीक है, मेरे परिवार बंबई से आके मुझे मिलते थे, आई वॉज लकी, मुझे अच्छा लगता था जब हफ्ते में 1 बार वो मिलते थे, मगर कई इतनी बहनें हैं जिसको परिवार वाले इतने दूर से नहीं मिल सकते, तो उनके लिए आप क्यों नहीं ये अलाउ करते हैं कि अहमदाबाद गुजरात में कोई रहने वाली दोस्त या रहने वाला दोस्त उनके आके मिल सके। ये सही बहुत बात वो तरसते हैं ह्यूमन जी आप कांटेक्ट। हम और हमारी संस्था जो काम कर रहे हैं अलग अलग जगह पे, चाहे वो आसाम में नागरिकता को लेकर हो या नफरत भरे हेट क्राइम्स को लेकर हो या हमारे संवैधानिक वसूल और शिक्षण और तालीम को लेकर हो, वो तो हमारा काम जारी रहेगा। ये केस को भी हम लड़ेंगे और ये उम्मीद से लड़ेंगे कि न्याय व्यवस्था ये देश में बरकरार रहे।